ओके सो वो बंदा आ रहा है, वो आंटी सामने से निकली, वो बंदा देख देख के उसने पीछे घर की तरफ भी देखा एंड नीचे झुक के क्या कर रहा है भाई, केटीएम में नीचे झुक के कुछ हो जाता है क्या? कुछ छेड़खानी तो करी यार उसने। ओके हैंडल पहले ढीला कर दिया था क्या? लात से तोड़ने की कोशिश कर रहा है हैंडल को। अच्छा तोड़ दिया, हैंडल सीधा कैसे हो गया भाई, हैंडल तोड़ दिया। ओह शिट, बाहर चल फटाफट। तो भाई साहब हमारे नए यूट्यूबर जो हैं वो पैदा हो रहे हैं एंड ये भी कह रहे हैं कि पापा मेरे को भी अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना। तो गाइस वीडियो की स्टार्टिंग आपने देखी कैसे एक जो बंदा था वो मेरी बाइक चोरी करके लेके जा रहा था एंड फाइनली हमने उसको पकड़ लिया। सो बेसिकली एक तरीके का क्लिप दिखाया मैंने, वो था मैं ही और कुछ ऐसा सा दिखाने का मैंने सोचा क्योंकि यार आजकल के डेट में क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग गाड़ियां बाइकें वगैरह जो है वो चोरी कर रहे हैं। ठीक बता ना इवान, इवान को कितने तक तो काउंटिंग आती है? 100। एक बारी काउंट करके सुना दे। 100। No, 90. 90 होते हैं? 100. 90 के बाद होता है 100। ओके सो गाइस अब आपने सबको क्लैपिंग करनी पड़ेगी भाई इवान के लिए। सो हम आ गए इवान के लेवल के ऊपर ही। सो गाइस जैसे मैंने आपको बोला वीडियो के स्टार्टिंग में कि आजकल 22 गाड़ियां काफी ज्यादा चोरी हो रही हैं एंड द थिंग इज कि यार आपकी सिक्योरिटी आपके अपने हाथ में है तो इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। सो हमारे साथ यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, गाड़ियां सबके पास ही होंगे मोस्टली एंड बाइक्स भी मोस्टली सबके पास है पर बाइकर्स ज्यादा हैं तो बाइक के ऊपर वीडियो बनानी बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। सो मैंने एक्चुअल में अपनी बाइक के ऊपर एक लिवर्स एड ऑन करे हैं। 90, पता चल गया, पता चल गया सबको, सबको पता चल गया, पता चल गया सबको। 93, 94, सुन लो भाई सारे के सारे पहले 96, 97, 98, 99, 100, 100। हमने एक नए लिवर्स जो है उनको बाइक के ऊपर एड ऑन करा है एंड बेसिकली आप उनको प्रोटेक्टिव लिवर्स कह सकते हो, नॉर्मल एडजस्टेबल लिवर्स तो सारे के सारे होते हैं। नहीं अभी आप आवाज कर रहे वान वीडियो में आवाज जाएगी, फिर आप फिर शांति से बैठो इसको ऐसे लेके। ओके ओके सो उन लिवर्स के अंदर क्या है, बेसिकली आपका हैंडल कोई भी तोड़ लेता है। जैसे क्या होता है वो लात से मैंने आपको दिखाया कैसे हैंडल जो है वो टूट जाते हैं, हैंडल के लॉक जो है वो तोड़ दिए जाते हैं। बट ये एक ऐसे तरीके के लिवर हैं जो आपकी फ्रंट पे ब्रेक आप लगाएंगे, जो फ्रंट ब्रेक होती है एंड देन उसको लॉक कर देंगे तो वो वहीं की वहीं ब्रेक अटक जाएगी तो वो बाइक आगे नहीं जाएगी। सो उसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यूजुअली लोग क्या क्या चीजें करते हैं सेफ्टी के लिए, देन दे ऐड जीपीएस ट्रैकर जिसके अंदर आप ऑटोमेटिकली फोन से ही अपनी जो बाइक है उसका इंजन सीज कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। बट उसके अंदर भी वायर्स वगैरह सब ओपनली जा रही होती हैं, जैसे नीचे से जा रही होती है तो लोग उसको भी आराम से क्रैक कर लेते हैं। एक ऑप्शन है, चीप है, बेस्ट है, बहुत सही ऑप्शन रहता है, वो दैट इज द व्हील्स लॉक जो एक्सल के साथ लॉक कर दिया जाता है आपका पूरे के पूरे व्हील को, वो बहुत सही रहता है। सस्ता सुंदर टिकाऊ जुगाड़ है बट आप किसी अच्छी सुपर बाइक या कोई महंगी केटीएम वगैरह के अंदर तो वो चीज़ नहीं लगवाएंगे। तो ऑब्वियसली बात है मैं आपके लिए एक ऐसी चीज़ लेकर आया हूँ जो कि आप यूज़ कर सकते हैं एंड इट्स क्वाइट बजट फ्रेंडली, ऑलमोस्ट 2500-2600 के करीब आपको ये जो लिवर्स हैं वो मिल जाते हैं, बाकी फिटिंग वगैरह एक्स्ट्रा होती है। सो चलते हैं बाहर, आपको लिवर्स दिखाता हूँ कैसे हैं लिवर्स देखने में, क्योंकि देखने में है बहुत ही ज़्यादा सुंदर और कैसे वो सारा का सारा प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे आपको प्रोटेक्शन मिलती है वो भी आपको समझाता हूँ। सो वीडियो कैसा बना रहे हो, वीडियो अपने आगे तक देखिए। सो इवान बाय बाय कर दे सबको, बाय बाय, सी यू लेटर, सी यू लेटर। आपने पूछा, आपने टीवी देखा नहीं देखा सबसे? सो गाइस सी दिस न्यू टीवी। ओके एंड एंड दिस
like you can watch cartoons or play games or edit videos, watch movies or do some work. Yeah. Or change the cars with this. Or change the cars with this. Wallpapers हम change कर रहे थे, change the cars with it. तो भाई बाहर चलते हैं, बाहर चल के आपको दिखाता हूँ कि कैसे लग रही है मेरी बाइक उन लिवर्स के साथ. ओके सो गाइस, सामने आप देख सकते हैं, दिस इज द लिवर, जिस लिवर की मैं बात कर रहा था आपसे. सो अगर हम यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो बेसिकली दोनों तरफ के लिवर्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं. आपके पास यहाँ पे मिरर्स लगाने का भी ऑप्शन है, बट इसको हम उतार देंगे क्योंकि KTM में हमारे मिरर्स यहाँ पे लगे हुए हैं तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है. सो बेसिकली दिस इज़ द लॉक सिस्टम. बाइक की हालत अभी थोड़ी सी बुरी है, वहाँ पे कह सकते हैं हमें बेसिकली रात हो गई थी तो उस वजह से मैं आगे की जो वीडियो है वो शूट नहीं कर पाया. एंड सो दिस इज़ द ऑयल कैप जहाँ पे हमें फ्रंट की ब्रेक्स की ऑयल जो है वो डाला जाएगा. दिस इज़ द लॉक और दिस इज़ एडजस्टेबल. अगर आप देखोगे तो दिस इज़ एडजस्टेबल. हमें और आगे करना है तो हमें बस इसको ऐसे ऐसे करके इसको खोलते जाना है एंड ये जो लिवर्स हैं ये आपके आगे होते जाएंगे. अभी मेरा अपने हिसाब से एडजस्टेड था तो हमने इसको पास रखा हुआ है. सो बेसिकली क्या चीज़ है गाइस, ये है आपका वो एंड इसके अंदर ये आपको चाबी मिलती है. एक चाबी मैंने अपनी बाइक की चाबी के साथ लगा रखा है और एक आपको सेपरेट की जो है वो मिल जाती है. तो आपने कुछ नहीं करना, आपने इस चाबी को डालना है ऐसे अंदर, ठीक है. आपने यहाँ से इसको ब्रेक दबानी है, पूरी टाइटली ब्रेक दबा देनी है एंड इसको दबा के आपने ऐसे करके लॉक लगा के ये आपका लग गया, ठीक है. अब क्या है, ये ब्रेक आगे की दबी रह गई. अब आपको दिखेगा ये ब्रेक आगे की तरफ नहीं जा रही है, ये सिर्फ लिवर हिल रहे हैं बट ये ब्रेक दबी पड़ी है, ये इससे ज़्यादा नहीं होगी. सो इससे क्या होगा, अब हम बाइक को जब आगे या पीछे करने की कोशिश करेंगे सो हमारी फ्रंट की जो ब्रेक है वो पूरी टाइटली दब चुकी है तो अब ये कहीं पे भी नहीं जाने वाला. सो अगर मैं आपको इसका मैकेनिज्म दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से लिवर्स हैं और ये अगर जो आप लॉक देखोगे ये ऊपर से ऐसे आ रहा है, ठीक है. सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ हम इसको ब्रेक दबाएंगे एंड ये पीछे से आप देखोगे तो इसका ये जो लॉक है वो लग गया. सो ये इसने अब इसको जाम कर दिया तो ये बेसिकली आपका पीछे नहीं जा सकता अनलेस एंड अंटिल कोई इसको पूरा तोड़े तभी ये जो लिवर है या पीछे जाएगा या उसको पूरा का सारा जो जाम जाम है ब्रेक का वो सारा तोड़ना पड़ेगा इस लिवर को खोलने के लिए. सो इससे क्या होगा, आपकी जो सिक्योरिटी है वो पूरी टाइट हो गई. अब बेसिकली पीछे नहीं जा रहा क्योंकि पीछे से यहाँ से ये जो आपका लॉक है वो नीचे की तरफ आ गया, पूरी स्टेनलेस स्टील की पाइप है और अब ये पीछे नहीं जा सकता. सो वापस खोलने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमने वापस इसको जो लॉक है उसको अंदर चाबी डालनी है क्योंकि लॉक तो ये आपका ऐसे ही हो जाएगा बट आपको खोलने के लिए यू नीड टू प्रेस एंड देन लीव. तो ये आपकी जो है ये बाहर आ गई. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स और इस तरीके से ये जो आपकी सेफ्टी है ये पूरी की पूरी मिल सकती है आपकी बाइक के साथ. सो ये हमारा हो गया ब्रेक लिवर और ये हो गया हमारा क्लच लिवर जो कि आप सामने देख सकते हैं. एंड इसमें एक चीज़ है, मेरे को ये थिम्पल नहीं मिल रहे हैं तो ये अभी लगने हैं तो फिर जब करोल बाग जाएंगे वो फिर लगाएंगे. सो बेसिकली यहाँ एक वायर थी, अब ये वायर यहाँ पे कनेक्ट होनी है, यहाँ पे थिम्पल लगेंगे एंड वो यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट होंगे. बेसिकली ये वायर है आपकी कि अगर आपकी बाइक गियर में बंद हो जाती है तो आप क्लच दबा के वैसे तो बाइक स्टार्ट कर सकते हो जब ये वायर कनेक्टेड होगी, बट जब ये वायर कनेक्टेड नहीं है तो अभी मेरी बाइक क्लच दबा के स्टार्ट नहीं हो पाएगी. सो इस चीज़ को दिमाग में रखें. भाई साहब बहुत ज़्यादा गर्मी है, पसीने बहुत आए हुए हैं. सो अगर आपको ये सारा मैकेनिज्म लगवाना है, कॉस्टिंग इज़ अबाउट 3,000 rupees, 2500 से लेके 3,000 रुपये के बीच में कॉस्टिंग है, ऊपर नीचे होती रहती है. तो आप कॉल कर सकते हैं पुनीत भैया को PGX स्टोर पे और अपने लिए भी एक ऐसी जो सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, वो मेरे हिसाब से करवानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें. बाय बाय.